राष्ट्रवाद बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू करें और ध्यान से देखें अपना आगे का टॉपिक। जुड़ गए बच्चे जल्दी करिए, जुड़ने वाला काम जल्दी किया करें। हो गया जल्दी जल्दी करिए। जुड़ गया कि नहीं जल्दी करिए। देखिए हम लोगों ने जो है सम पराशरी विलयन पढ़ा था, उस सम पराशरी विलयन के आज हम कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसके बाद में एक हेडिंग या दो हेडिंग जो भी हो पाएगा उतना मैं करूंगा, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है आपका, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन है। सुक्रोज का एक विलयन सुक्रोज का एक विलियन सुक्रोज का एक विलियन 0.9% यूरिया 0.9% यूरिया विलियन का समपराशरी है। विलयन का समपराशरी है, विलयन का समपराशरी है, विलयन का समपराशरी है, समपराशरी है, समपराशरी है। सुक्रोज विलयन की चंद्रता क्या होगी? सुक्रोज विलयन की सांद्रता क्या होगी? नोट करिए फटाफट इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। हो गया लिंक भेज दो, लिंक लिंक। अच्छा हो गया गया, चलिए देखिए। तो हमारे पास में ग्लूकोज का एक विलयन जो 9% यूरिया विलयन का समपराशरी है, तो सुक्रोज विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो लिखिए, माना
सुक्रोज। माना सुक्रोज, विलियन, विलियन, माना सुक्रोज विलियन, विलियन की सांद्रता बराबर एक्स। सुक्रोज विलयन की सांद्रता बराबर एन। ठीक है, एक्स ग्राम प्रति लीटर है। इसे अगर मैं मोल में करूं तो एक्स बटे सुक्रोज यानी चीनी, चीनी का अणुभार कितना होता है? 342 मोल। ऐसे ही यूरिया, इसी प्रकार से यूरिया विलयन, इस प्रकार यूरिया विलयन की सांद्रता सांद्रता कितनी है? 0.9%। तो मैंने बोला था प्रतिशत में है, तो यहां पे जो है मैंने बोला था हमेशा क्या करते थे, 10 से गुणा गुणा कराते थे। मैंने पहले परासरण दाब में बताया था आपको, 10 से गुणा कराते थे तो कितना आ जाएगा? 9.0, यानी कि अर्थात 9 ग्राम प्रति लीटर। और इसको जो है मोल में कन्वर्ट करो तो 9 बटे यूरिया का अणुभार 60 मोल। ठीक है, ये C1 और C2 है हमारा, ये है C1 और ये है C2, याद है ना। अब देखिए समपरासरी है, समपरासरी विलयन है इसलिए, समपरासरी विलयन है इसलिए C1 बराबर होगा C2 के, C1 बराबर होगा C2 के। और C1 कितना है हमारे पास? x बटे 342, और C2 का है 9/60। ठीक है, अब इसको काटिए भैया, तिर गुणा करा दीजिए, इसकी गुणा करा तो x बराबर हो जाएगा 9 × 342 बटे में 60। इसको आप अपने काट पीट लीजिए और आपको कितना आंसर मिलता है मैं वो लिख देता हूं, 51.3 ग्राम प्रति लीटर, 51.3 ग्राम प्रति लीटर। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब
गया। चले नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 0.5 लीटर ग्लूकोज बिलियन में कितने ग्राम ग्लूकोज विद्यमान है जिससे उस विलयन का परागण दाब नौ पॉइंट दो ग्राम प्रति लीटर परागण दाब 9.2 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोस विलयन के परासरण दाब के समान है। यह है आपका क्वेश्चन। हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, माना 0.5 लीटर विलयन की सांद्रता बराबर एक्स बटे 0.5 ग्राम प्रति लीटर है। एक्स बेटा इसका जो भार है वो है, और बटे में जो है आयतन है, आयतन कितना है 0.5 पॉइंट आएंगे। इसको थोड़ा हल कर दीजिए, एक्स बटे 0.5 पॉइंट आएंगे, ऊपर एक जीरो, 5 × 10 2x आया ग्राम प्रति लीटर। इसको मोल में करना है तो 2x बटे 180 ग्लूकोज का अणुभार बराबर में इनटू में मोल, मात्रक हो गया मोल, ठीक है ना। अब दूसरे विलयन के लिए देखो, दूसरे विलयन में कहता है 9.2
ग्राम प्रति लीटर, विलयन की सांद्रता। देखो 9.2 ग्राम प्रति लीटर में, अगर इसको हमें मोल में करना है तो अणुभार कितना होता है इसका, 180 से भाग कर दीजिए, काय में हो गया, मोल में हो गया। अब क्या कह रहा था हमसे कि जो हमारी सांद्रता है C1 और C2, तो ये समपरासरी है। विलयन है इसलिए C1 बराबर होगा C2 के, तो 2x बटे 180 बराबर में 9.2 बटे 180, एक कट गया, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, एक्स बराबर आ गया आपका 4.6, एक्स बराबर 4.6 ग्राम। एक्स बराबर हो गया आपका 4.6 ग्राम। नोट कर लीजिए, अब हो गया। चलिए आगे अब हेडिंग देखेंगे, दिए हैं बाकी आप स्वयं लगाइए उनको। बाकी आप काम करिए, आपकी हेडिंग है बाह्य परासरण, बाय परासरण, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस बाय परासरण। एक्सो ऑस्मोसिस बाय परासरण हो गया। देखिए बाह्य परासरण क्या है, बाह्य मतलब बाहर होता है ना, ये तो जानते होंगे। मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक अंगूर डुबा रखा है, किशमिश को नहीं लेना, अंगूर को लेना आप, ठीक है। तो क्या होता है कि अंगूर के अंदर
ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इस जल के अंदर जो है NaCl मिला दिया। जैसे NaCl मिलाया तो इसकी सांद्रता जो है पानी में, नमक मिलाया तो सांद्रता हो गई, और अंगूर के अंदर भरा हुआ जो है उसके अंदर सांद्रता कम हो गई। जैसे ये हुआ तो अंगूर, मैंने बोला था आपको प्रारंभ में अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है ना, क्या करते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो इसके अंदर कम सांद्रता है और यहां बाहर जो है अधिक सांद्रता है, तो अंगूर के जो कण होंगे, जो अंगूर के अंदर रस भरा होगा, वो अंगूर के ऊपर जो है एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो उस NaCl के जलीय विलयन में आने लगते हैं। मतलब यहां से निकलकर विलायक के कण यहां पर आ रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको बाह्य परासरण, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, बाह्य परासरण। और दूसरी हमारी हेडिंग है अंतः परासरण, बाह्य परासरण, अंतः परासरण, ठीक है ना। तो अंतःपरण एंड एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, इसको समझिए आप। ये मैंने किशमिश लिया और इसको पानी में डुबाया तो पानी की सांद्रता कम है और किशमिश के अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है उसकी सांद्रता अधिक है। ओके, तो अब क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं ना, तो यहां पे जो जल है, जो पानी है हमारा, उसके जो कण होंगे वो इसके अंदर जाने लगेंगे, किशमिश के अंदर जाने लगेंगे, जिससे हमारा किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। आपने अंडे को देखा है, अगर अंडे को हम लोग क्या करें, NaCl के जलीय विलयन में डुबाएं तो अंडा सिकुड़ जाता है। होता क्यों ऐसा है, क्योंकि अंडे के अंदर भरा हुआ जो एल्बुमिन है, आपका अंडे को फोड़ना तो देखना, हम लोगों ने देखा भी होगा, इसको आप लोग ऑमलेट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो अंडे के अंदर जो एल्बुमिन भरा था पीला पीला, तो जब उसको हम लोग अंडे के जो NaCl के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है और अंडे के अंदर भरा हुआ एल्बुमिन अधिक हो जाता है और उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाती है, इसके कारण जो है अंडे के अंदर भरा हुआ एल्बुमिन धीरे धीरे उसमें से विलायक के कण जो है अर्धपारगम झिल्ली की तरह अलग होते रहते हैं और वो NaCl में घुलता रहता है, इसीलिए जो है हमारा क्या होता है, अंडा जो है वो सिकुड़ जाता है। और भी मेरे पास सुनिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अंडे के ऊपर जो पर्स होता है, जो खोल सा होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और उसे हटाने के लिए HCl नामक एसिड का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये उस अंडे के खोल को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये आपके मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। तो आप अंडे को यूरिन में यानी कि मूत्र में डुबो के रख दीजिए तो उसके ऊपर लगा हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर सा होता है, जो खोल सा सफेद सफेद होता है ऊपर ना, वो हट जाएगा आपका, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपके मूत्र में उपस्थित HCl से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है जो जल में विलय होता है। मैंने क्या बोला, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अंडे को लीजिए और यूरिन में जो मूत्र होता है उसमें डुबो के रख दीजिए, जिससे उसके ऊपर लगा हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर होता है वो आपका हट जाएगा और फिर आपका केवल अंडा ही बचेगा। उसको ले जाके आप टेस्ट कर सकते हो कि जब आप उसको NaCl के जलीय विलयन में डालोगे तो उसमें जो है वो अंडा सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा, क्योंकि तो अगर वो कवर लगा रहेगा तो वो जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो दिखाई नहीं देगी आपको, तो उस कवर को हटाने के लिए मैंने बता दिया है कि HCl का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, आप देख लो यहां पे जो विलायक के कण है वो जो है अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं,
इसलिए बाह्य पराशरण कहते हैं। और इसमें जो है जल के जो कण है जो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसको अंतः पराशरण कहते हैं। और देखिए और भी मतलब बता दूं आपको, बाह्य पराशरण आपने पेड़ों को देखा है, पेड़ जो होते हैं पेड़ों में आप पानी नीचे डालते हैं तो वो ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है, तो कैसे होता है वो भी देखिए प्रोसेस को आप समझिए। अब देखिए ये पेड़ है आपका, ठीक है ना, तो पेड़ में ऐसे ही कोशिकाएं या सेल होंगी जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, ओके, मैं एक ही दिखाता हूं आपको बना के, ऐसे ही सेल जुड़ी होंगी और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड यानी द्रव्य भरा होगा। जैसे हम लोगों ने यहां पे पानी डाला तो पानी की सांद्रता है कम, इसके अंदर भरा हुआ सांद्रता उसकी है अधिक, इसकी सांद्रता कम इसकी सांद्रता अधिक, जल के जो विलायक के कण है वो इसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर जाएंगे तो इसकी सांद्रता कम होने लगेगी क्योंकि भाई विलायक की मात्रा बढ़ रही है, जैसे विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी जो सांद्रता है कम हो जाएगी, जैसे इसकी सांद्रता कम होगी इसकी सांद्रता अधिक हुई कि नहीं हुई, अब तो अब इसकी सांद्रता कम हो गई इसकी सांद्रता अधिक हो गई तो ये इससे खींचने लगेगा विलायक के कणों का, यानी कि यहां पर जो है पराशरण शुरू हो जाएगा। तो जब ये इसके कण इसको दे देगा तो यहां पर इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, ऊपर वाले की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो फिर ये इसको देगा, तो ये जो है पानी चढ़ने का जो क्रम है बेटा ऐसे होता है। पहले देखो बेटा ऐसे था, नीचे वाले की सांद्रता और ऊपर वाले बराबर थे, लेकिन जब मैंने पानी डाला नीचे पौधों में, जब पानी डाला तो आप देखते हो कि नीचे वाले जो सांद्रता थी वो कम थे, तो उसने क्या किया नीचे से पानी को एब्जॉर्ब किया, और जब पानी को एब्जॉर्ब किया तो ऊपर वाले की जो सांद्रता थी वो कम हो गई और उसके जो ऊपर वाले था उसकी सांद्रता अधिक हो गई। तो अब इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है, तो हमारे जो जल के जो कण है या विलायक के जो कण है यहां से इसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है ना, तो यही क्रम होता है पानी के ऊपर चढ़ने का तरीका, ठीक है ना। तो ये जो है बाह्य पराशरण अंतः पराशरण है, ये आप अपने आप बुक से लिख लेना, समझाने का काम था जो मैंने कर दिया, एग्जाम्पल भी मैंने जो बता दिए हैं वो भी आप लिख लेना, क्वेश्चन आते हैं आपके। अब अगली आपकी हेडिंग है उड़िए प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका एक और नाम है व्यतिक्रम पराशरण, इसको शॉर्टकट में जो है आरओ बंद बोलते हैं। और जैसे मैंने आरओ लिखा आपको कुछ कुछ नाम याद आया होगा, केंट आरओ, केंट आरओ में यही प्रोसेस चलता है बेटा, माननीय प्रचार करती है ना केंट आरओ का, तो यही है बेटा प्रोसेस, केंट आरओ, आरओ मतलब यही है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, माननीय इसी का प्रचार करती है बेटा, केंट आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है समुद्री पानी है तो उसको पीने योग्य बनाना, ठीक है ना, अपने यहां जैसे पानी है उसको शुद्ध करना, तो वो सब है आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए समझते हैं पहले हम लोग, सुन लेना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके मैंने लगा दी, याद है ना, इसके अंदर मैंने ए विलायक भर दिया और इसके अंदर मैंने विलयन भर दिया, तो क्या होता था विलायक के कण विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होते थे, मतलब
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण स्वतः प्रवाहित हो रहे थे। याद है ना, ये मतलब कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते थे विलायक के कण, ठीक है ना। अब करना क्या है, प्रतिलोम व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब होता है उल्टा, कि जो कण विलायक के कण थे, विलायक के जो कण विलयन की ओर यानी कि अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से जो अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, उस क्रिया का नाम था परासरण। अगर मैंने इस तरफ से इस तरफ जा रहे थे, अगर मैंने इसको इस तरफ से इस तरफ कर दिया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए, तो उसको बोलेंगे प्रतिलोम परासरण। परासरण की क्रिया के विपरीत जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण, यानी कि उल्टा करना है इसको, हमको इसको विपरीत करना है हमको। तो प्रतिलोम परासरण क्या है, परासरण की क्रिया के विपरीत करना है मुकाम। तुम लोग क्या कर रहे थे, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों को कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित कराना या प्रवाहित करना प्रतिलोम परासरण में। परासरण में आप लोग देख रहे थे कि जो विलायक के कण थे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, ये उसका अपोजिट है, ये इसका उल्टा है, इसलिए इसका नाम है प्रतिलोम परासरण। और इस समुद्री जल को पीने के योग्य बनाने के लिए आपने देखा है कई देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, श्रीलंका है, चीन, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर पीने का पानी यही है, वहां पे समुद्र का पानी ही है, तो वो लोग जीवित कैसे हैं, बिना पानी पिए जीवित कैसे हैं, तो बिना पानी पिए कोई जीवित रह नहीं सकता है। तो वो लोग जो है इसी आरओ का उपयोग करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं और अपने पानी को पीने के योग्य बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक पात्र लेते हैं या एक यंत्र लेते हैं, जैसे कि आपने कैंटारो देखा है, तो उसके अंदर वो लोग पानी भर देते हैं, समुद्री पानी, और उस समुद्री पानी पर अलग से जो है दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, और इतना प्रेशर लगाया जाता है कि वो परासरण दाब से भी अधिक हो जाए। और जब ऐसा करते हैं, परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, तो जो पहले जो परासरण की जो क्रिया में जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जा रहे थे, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने के कारण वो जो कण थे वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। इसी घटना को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। चलिए डिफिनेशन को लिखिए, किसी विलयन पर, यदि किसी विलयन पर, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो विलयन से विलायक के कण, विलयन से विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर प्रयुक्त करें तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रवाहित होने लगता है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है।
इसका उपयोग समुद्री या कठोर जल के शोधन में किया जाता है। हो गया। अथवा में दो ही परिभाषा लिखिए। किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं हो गया। अगली आपकी हेडिंग है परासरण दाब का मापन। ये अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।